हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची रेस्टोरेंट स्टाइल फ्रेंच फ्राई, जिसे बनाना तो आसान है ही, खाने में भी ये काफ़ी बढ़िया और क्रिस्पी लगेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने दो आलू ली हूँ, एक यहाँ मैंने बड़ा आलू लिया है और दूसरा मीडियम साइज का आलू ली हूँ। आप इसके लिए मीडियम साइज के या बड़े ही आलू ले, जिससे आपके फ्रेंच फ्राई बाजार जैसे ही लंबे लंबे और अच्छे बनेंगे। आलू को यहाँ मैंने छील के अच्छे से एक से दो बार धो ली हूँ और अब हम इसके साइड के सारे किनारे को इस तरीके से कट करके इक्वल साइज में बना लेंगे, जिससे हमारे फ्रेंच फ्राई बिल्कुल बाजार जैसे इक्वल साइज में ही लगेंगे। और इसे हम बिना उबाले बनाएंगे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत अच्छे से हमारा फ्रेंच फ्राई क्रिस्पी और बिल्कुल टेस्टी बनेगा। तो इसके लिए यहाँ मैंने आलू को सभी तरफ से अच्छे से कट लगा ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पतले पतले लंबे साइज़ में इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा ना मोटा काटना है और ना ही ज़्यादा पतला। और आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ मैंने चाकू से इक्वली शेप में कट कर ली हूँ। अगर आपके पास फ्रेंच फ्राई कटर है तो आप उससे कट करें। और अब हम फ्रेंच फ्राइज के पतले पतले स्लाइसेस में इसे काट लेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं, यहाँ मैं एक आलू के ऊपर एक पीस रख करके इसे काट रही हूँ, ताकि हमारे फ्रेंच फ्राई एकदम इक्वली कटेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे फ्रेंच फ्राई बहुत ही बढ़िया से कटे हैं। तो आप इस तरीके से अगर फ्रेंच फ्राई काटेंगे तो आपके फ्रेंच फ्राई एकदम इक्वली और बिल्कुल बाजार जैसे बन के तैयार होंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मैं आप सभी के लिए बहुत ही आसान और इजी रेसिपी लाती रहूँगी। और अब आप देख सकते हैं सेम तरीके से यहाँ मैंने सारे फ्रेंच फ्राइज काट के तैयार कर ली हूँ। और हमारे फ्रेंच फ्राई ना ही ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले। अगर आप इसे ज़्यादा मोटे साइज़ में कट कर लेंगे तो ये अंदर से अच्छे से पकेंगे नहीं और बहुत ही जल्दी सॉगी हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से काटें, जिससे आपके फ्रेंच फ्राई एकदम क्रिस्पी और मार्केट स्टाइल बनेंगे। और अब हम एक दूसरे बर्तन में पानी लेंगे और इसमें कटे हुए आलू के फिंगर डालेंगे और हम इसे अच्छे से पानी के अंदर डाल करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और तब तक हम दूसरे आलू को भी अच्छे से कट कर लेते हैं। और अब यहाँ आलू को पानी में डाले हुए 3 से 4 मिनट हो गए, तो हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे और 1 से 2 बार अच्छे से धो लेंगे। और इसे छन्नी पे डालकर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी छन जाएगी। और अब हम एक किचन टॉवल लेंगे, आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और किचन टॉवल के ऊपर हम इस तरीके से कटे हुए आलू डालेंगे और टॉवल से आलू को अच्छे से दबाते हुए हम इसे पोंछ लेंगे या फिर सुखा लेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी जल्दी से टॉवल सोख लेगा और आलू हमारे बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। आप चाहे तो इसे पंखे के हवा में भी 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दे, जिससे आलू हमारे अच्छे से ड्राई हो जाएंगे और इसका सारा मॉइस्चर सूख जाएगा। और अब आप देख सकते हैं हमारे आलू का मॉइस्चर अच्छे से सूख गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये देखिए, आलू हमारे एकदम परफेक्ट। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, इससे हम थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाएंगे। इसके लिए यहाँ मैं काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच ऑरिगेनो डालेंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसे डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डाल के हम इसे अच्छे से चम्मच से ही मिक्स कर लेंगे, या फिर आप इसकी जगह हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बर्तन में ही आप इस तरीके से टॉस कर लें, जिससे कॉर्नफ्लोर आलू के ऊपर अच्छे से
कवर हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लावर आलू के ऊपर अच्छे से कवर हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से आलू के ऊपर मिक्स हो जाएंगे। और अब हम इसे साइड में रखेंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है तो हम इसमें तेल डालेंगे। तेल डालकर हम इसे भी गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें एक एक करके आलू के इस तरीके से पीसेस डालेंगे। आप इस तरीके से आलू के पीसेस डालेंगे तो, और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और आप इस तरीके से आलू के पीस डालेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में फ्राई होंगे। एक बार में जितने आलू के पीस फ्राई हो उतना ही डालें। और अब हम इसे डाल करके एक मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। और अब हम इसे अच्छे से इस तरीके से चला लेंगे, जिससे आलू हमारे सभी तरफ से अच्छे से फ्राई होंगे। और अब आप देख सकते हैं आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। आलू को फ्राई करने के बाद आप जब भी इस तरीके से फ्रेंच फ्राई के लिए निकालें तो आप इसे टिश्यू या किचन टॉवल पे ना निकाल करके इस तरीके से छन्नी या स्टेनर में निकालें, जिससे आलू या फ्रेंच फ्राई आपके सॉफ्ट नहीं होंगे। और अब हम सेम तेल में ही और भी बचे हुए फिंगर फ्राई डाल करके इसे भी मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। और जब तक हमारा दूसरा बैच फ्राई हो रहा है, हम पहले वाले बैच को अच्छे से पंखे के नीचे रख देंगे, जिससे वो 2 से 3 मिनट में अच्छे से ठंडा हो जाएगी। और तब तक हम दूसरे बैच को फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हम इसे भी फ्राई करके इस तरीके स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। और पहला वाला बैच हमारा ठंडा हो गया है। तो इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, जिससे तेल हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो जाएगा। और अब हम इसमें पहले वाला बैच डालेंगे और इसे एकदम तेज आंच पे हम इसे 20 से 25 सेकंड के लिए फ्राई होने देंगे, जिससे हमारा फ्रेंच फ्राई एकदम बाजार जैसा क्रिस्पी बनेगा। और हम इसे बीच बीच में इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे फ्रेंच फ्राई हमारे इक्वली पकेंगे और इसमें अच्छा सा कलर आएगा। और अब आप देख सकते हैं इसे फ्राई करते हुए 25 से 30 सेकंड हो गए हाई फ्लेम पे और फ्रेंच फ्राई हमारे एकदम बाजार जैसे तैयार हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे फिर से एक बार स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे। और दूसरा बैच भी हमारा फिर से ठंडा हो गया है तो हम उसे एकदम गर्म ऑयल में डालेंगे और इसे भी 25 से 30 सेकंड के लिए चलाते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे एक बार फ्राई करके इसे ठंडा होने के बाद जिप लॉक बैग में डाल करके इसे 1 हफ्ते के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं। और जब भी आपको फ्रेंच फ्राई बनाना है तो आप इसे फ्रीजर से निकाल कर 10 मिनट के लिए नॉर्मल होने दें और उसके बाद एकदम गर्म तेल में इस तरीके से फ्राई करें और आपके बिल्कुल इंस्टेंट और मिनटों में बाजार जैसे क्रिस्पी और करारे फ्रेंच फ्राई बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब हम चलिए इसे प्लेट में गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। और यहाँ मैं इसे प्लेट में सॉस के साथ सर्व की हूँ। आप इसे अपनी पसंदीदा टमाटो केचप या फिर सेजवान सॉस के भी साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। तो आप इस तरीके से घर पे फ्रेंच फ्राई बनाएं। और अगर आपको वीडियो और रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ मैं एक और नई रेसिपी के साथ।